अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए चैनल का लोगो लगा दिया है वीडियो के राइट साइड पर। आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि मेरी जितनी आने वाली वीडियोस है आप उसे आसानी से वॉच कर सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज जो हमारी वीडियो का उनवान है, आपने जान लिया होगा व्यूवर्स, खूबसूरती सबको ही अच्छी लगती है, और यही वजह है कि हमारी जवान नस्ल, लड़का हो या लड़की हो, ख़ुद को खूबसूरत बनाने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे आप हाथों को सॉफ्ट और गोरा कर सकते हैं। ये नुस्खा ना सिर्फ हाथों को नरम व मुलायम बनाएगा, बल्कि हाथों की झुर्रियों को भी ख़त्म करेगा। सबसे पहले मैं हाथों की झुर्रियों के बारे में बात करूंगी। इसके लिए मास्क बहुत ही कारामद है, इसका कुछ दिन का इस्तेमाल नाकाबिले यकीन तब्दीली लाएगा। नुस्खा घर में आसानी से मास्क बनाने का तरीका। एक अदद अंडी की सफ़ेदी, 50 ग्राम पटकड़ी। इन अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करके यकजाँ हो जाए। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस्तेमाल करने का तरीका कुछ यूँ है कि आपने हाथों पर इस पेस्ट का खूब मालिश करना है और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ठंडे पानी से धोकर खुश कर लें और कोई भी मॉइस्चराइज़र लोशन लगा दें। इसकी चंद दिन इस्तेमाल से झुर्रियाँ हाथ से ख़त्म हो जाएगी और बचपन की तरह जल्द नरम बहाल हो जाएगी। अब काले हाथों को गोरा चट्टे बनाने का आजमूदा नुस्खा बताने जा रही हूँ। ग्लिसरीन और अर्के गुलाब को यकसाम मकदार लें और इसमें थोड़ी मकदार में बोरिक एसिड भी मिला लें और इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स करके महफूज कर लें। इस्तेमाल, इस मिक्सचर को दिन में कम से कम 3 मरतबा हाथों पर ज़रूर लगाएं। एक हफ्ते के इस्तेमाल से हाथों की स्याही ख़त्म हो जाएगी और आपके हाथों की कोई हुई खूबसूरती फिर से लौट आएगी। ये देसी नुस्खा है जो बहुत आसान और घर पर ही आसानी से तैयार हो सकता है। व्यूअर्स, मेरी मकसद आपको सेहत और खूबसूरती से मुतालिक अच्छी से अच्छी मालूमात फराहम करना है, जिसको आप घर ही में इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।